हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और देखिए, सुबह सुबह का वेदर और व्यू दोनों ही कितने अच्छे लग रहे हैं। और सुबह सुबह के टाइम पहाड़ भी देखिए एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक पहाड़। और आज मौसम भी देखिए कितना अच्छा हो रखा है, ऊपर आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम शाम को सोलन के स्लोगड़ा में गुरुद्वारा नानकसर साधु दरबार पहुंच गए थे और रात को यहीं पर हम रुके थे। और आज नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह हम जल्दी उठ गए थे और नहा धोकर हमने पाठ कर लिया है और आज है पूर्णमासी। तो अब हम गुरुद्वारा साहिब मत्था टेक कर एक डेढ़ घंटे की पैदल चढ़ाई चढ़कर ऊपर पहाड़ी पर तन तन बाबा नंद सिंह जी का तपस्थान बना हुआ है, तपस्थान है, वहाँ पर जाएंगे। पूर्णमासी पर संगत वहाँ पर जाती है और वहाँ पर मत्था टेकती है और वहाँ पर पाठ करके फिर वापस नीचे वाले गुरुद्वारे आ जाती हैं। गुरुद्वारा साहिब के चारों तरफ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। देखिए यहाँ पर भी खिड़कियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। और लीजिए यहाँ पर हो गई है चढ़ाई चढ़ने की तैयारी। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर खूब तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और हमें लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे, पर बारिश रुक गई शुक्र है। और देखिए यहाँ पर अखरोट का पेड़ भी लगा हुआ है और काफ़ी सारे अखरोट लगे हुए हैं इसमें। अभी तो ये कच्चे हैं, हरे हरे हैं, फिर पक जाएंगे तो काफ़ी अखरोट लगते हैं इस पेड़ पर। और यहाँ पर साइड पर क्यारी बनी हुई है जिसमें बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं और इसमें पुदीना और हरा धनिया और भी काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं। और देखिए ये है नींबू का पेड़, कितने सारे नींबू लगे हुए हैं इस पर, और ये तो पक चुके हैं नींबू और काफ़ी बड़ा पेड़ लगा हुआ है। तो चलिए जी, हमारी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो हम नीचे गुरुद्वारा साहिब से चल पड़े हैं ऊपर तप स्थल पर जाने के लिए। वो देखिए वो सामने ऊपर पहाड़ी है, वहाँ पर हमने जाना है। और साथ साथ में हमने ब्लूटूथ पर वाहेगुरु का सिमरन और शब्द भी लगा रखे होते हैं और साथ साथ हम शब्द भी सुनते जाते हैं और इस तरह से रास्ते का पता भी नहीं चलता। और देखिए ये ऐसे ही पूरा कच्चा रास्ता बना हुआ है ऊपर तक और व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से। और बस ऐसा ही कच्चा रास्ता है और रास्ता बना हुआ है और इसी पे बस हम चलते जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम आराम आराम से और धीरे धीरे चलते जाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चलते वरना फिर सांस चढ़ जाती है। तो बस आराम आराम से अपना धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहो और फिर जब थक जाते हैं तो हम थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर लेते हैं। जब थकावट हो तो थोड़ी देर बैठ गए और फिर चल ले, इसी तरह से हम धीरे धीरे आराम से ऊपर तक पहुँच जाते हैं। और आजकल यहाँ पर एक दो दिन से काफ़ी बारिश हो रही है, इस करके जो रास्ता है वो काफ़ी स्लीपी हो रखा है, सूखे पत्ते यहाँ पर गिर जाते हैं, इस करके वो पत्ते गीले होकर स्लीपी हो जाते हैं। तो बड़े ही ध्यान से और आराम से पैर रखकर चलना पड़ता है। और आधे घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं चश्मे पर। चश्मे का जल बाबा जी पीने के लिए और स्नान के लिए व्रत दे थे और आज भी इसका जल गुरुद्वारा साहिब नीचे गुरुद्वारा साहिब में वर्तता है। और अभी जब भी संगत यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ का जल पीकर उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ पर आकर थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर यहाँ का जल पीकर उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। और हम तो यहाँ से अपनी बोतल्स वगैरह भी भर कर ले जाते हैं साथ में जल के रूप में। और देखिए यहाँ का पानी कितना ठंडा होता है, अंदर जल का पानी कितना ठंडा है।
और यहाँ से जल पीकर और थोड़ी देर आराम करने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपनी आगे की चढ़ाई के लिए। और देखिए यहाँ से गुरुद्वारा साहिब भी नज़र आ रहा है, वो सामने दूर दिख रहा है गुरुद्वारा साहिब। और यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा नज़र आ रहा है, बिल्कुल खुला खुला आसमान, पहाड़ और नेचर पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है। वो देखिए सामने गुरुद्वारा साहिब। और थोड़ी देर यहाँ हम फिर बैठ गए थे आकर, और अब हम फिर चलेंगे। बस हम ऐसे ही रास्ता पूरा तय करते हैं, थोड़ा बीच में बैठ जाते हैं, फिर चल पड़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, इसी तरह से। वो मांगे और देखिए यहाँ पर कितना घना जंगल आ गया है। बीच बीच में काफ़ी घना जंगल आ जाता है और फिर कई बार खुला एरिया आ जाता है, तो इस तरह से ही सारा रास्ता कवर होता रहता है। और देखिए अब यहाँ पर फिर से खुला एरिया आ गया है, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ाई चढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ऊपर जाकर उतना ही अच्छा और व्यू आता रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे और उतना ही अच्छा व्यू हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से भी कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और गुरुद्वारा साहिब से कुछ लोग इन्हें यहाँ पर देख रहे थे और फोन करके बता रहे थे कि आप हमें ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ से इनको भी नीचे गुरुद्वारा साहिब खड़े हुए लोग दिख रहे थे, तो ये आपस में फोन पे बात कर रहे थे कि हाँ हम एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। और यहाँ मुझे एक खुला सा ग्राउंड दिखा और मैं यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ। देखिए कितना घना जंगल है, पर अब हम पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं और बस हम गुरुद्वारा साहिब पहुँच ही गए हैं। बस एक दो मिनट का रास्ता रह गया है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बैठ जाऊँ और फिर उसके बाद ही आगे चलेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं निशान साहिब के पास, और यहाँ पर निशान साहिब लगा हुआ है जो नीचे गुरुद्वारा साहिब से भी नज़र आता है। और अब हम यहाँ निशान साहिब पे मत्था टेकेंगे और फिर उसके बाद तप स्थल पर जाएंगे। और अब हम तप स्थान पे पहुंच गए हैं, और यह है बाबा जी दा तप स्थान। इतने हुन असी बैठ के पाठ करेंगे और फिर पाठ करके अरदास करके और फिर असी नीचे वापस गुरुद्वारा साहिब जावांगे। तो हुन इत्थे साडा पाठ असी पाठ कर लिया सीगा, ते हुन बाबा जी ने अरदास कर ली सी, ते हुन असी इत्थे मत्था टेक के वापस नीचे गुरुद्वारा साहिब पहुँच गए हैं। और इत्थे नीचे भी कीर्तन चलता रहिंदा है, नीचे वाले गुरुद्वारे च भी प्रोग्राम हुंदा है पूर्णमाशी वाले दिन। जिहड़ी संगत उपर जाना चाहती है उपर तप स्थल ते जाती है, और जो जा सकते हैं उपर तप स्थल ते चल जाते हैं, ते बाकी संगत नीचे गुरुद्वारा साहिब भी कीर्तन हुंदा है, वो इस नीचे वाले गुरुद्वारे च ही बैठ के कीर्तन सुनते हैं। और असी भी हुन गुरुद्वारा साहिब लंगर छक लिया है, ते हुन बस घर वापस जान लगे हैं, ते हुन असी घर जावांगे क्योंकि इन्हां दी एक दो दिन दी छुट्टी है, तो फिर एक दो दिन हुन असी घर रवांगे हिमाचल च, ते एक दो दिन बाद फिर वापस मोहाली जावांगे। और ये गए हैं स्कूटी लैन लई, और मैं इत्थे खड़ी, मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो ही शूट कर लवां, फिर मैं थोड़ी जी वीडियो शूट कर रही हाँ, और ये स्कूटी लैके आन लगे हैं। Yo.
और ये रास्ता बुना हुआ है ऊपर गुरुद्वारे से नीचे मेन रोड तक जाने के लिए। बीच में कहीं कहीं पक्का रास्ता है और बीच में कहीं थोड़ा काफ़ी कच्चा रास्ता भी आता है, तो स्कूटी थोड़ी आराम से ध्यान से ले जानी पड़ती है। और ये यहाँ पर देखिए नीचे काफ़ी उतराई है और स्कूटी को बड़े ही कंट्रोल करके धीरे धीरे आराम से उतारना पड़ता है और ड्राइव भी बड़े आराम से ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम आगे से मोड़ से कोई गाड़ी या कुछ आ जाए तो वन वे है, छोटी सी रोड है, तो बड़े ही ध्यान से चलानी पड़ती है कि आगे से कुछ आना जाए। और वो देखिए सामने नीचे मेन रोड दिख रही है, हमें जाना है वहाँ पर नीचे मेन रोड पर। तो चलिए अब हम निकल पड़े हैं अपने घर जाने के लिए और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। तो आपका हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।